हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी स्टेशनरी पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हमारे पास ये देखिए सेलो की तरफ से ना एक साइड प्लस अरेंजमेंट फाउंटेन पेन, जिसका गाइस आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे एंड गाइस लास्ट में आपको बताएंगे प्राइस एंड क्वालिटी के हिसाब से आपको ये पेन बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड गाइस आपको इस पेन की एक और यूनिक बात बताऊं, इसमें हमें पेन तो फाउंटेन मिलता ही मिलता है एंड गाइस एक हमें अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है, ये देखिए जो पेन को अरेंज कर सकता है। तो गाइस अब हम देखेंगे कि ये अरेंज करेगा या फिर नहीं करेगा, यूज करने के बाद ही पता चलेगा। ये गाइस काफी ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट हमें सेलो की तरफ से देखने को मिल जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करते, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी बढ़िया स्टेशनरी की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे इस पेन के ओवरव्यू प्लस अनबॉक्सिंग से। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे हमारी पैकिंग के ऊपर सेलो की ब्रांडिंग एंड गाइस यहाँ पे हमारा एक्साइट स्मार्ट राइट फाउंटेन पेन लिखा हुआ देखने मिलता है एंड गाइस यहाँ पे अरेंजमेंट भी लिखा हुआ देखने मिलता है। कॉम्बो पैक 75 रुपीज इसका MRP, तो MRP थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें अरेंजमेंट भी हमें देखने को मिलता है। तो गाइस इसको भी हम चला के देखेंगे एंड गाइस इसमें हमें दो कार्ट्रिजेस देखने मिलते हैं। एंड गाइस बैक साइड की बात करें तो गाइस थोड़ा सा हमें इसमें जो भी मतलब रिफिल वगैरह इंस्टॉल करना होता है उस तरह के हमें डिटेल में देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे हमारी MRP एंड गाइस यहाँ पे हमारी कुछ प्रोडक्ट की डिटेल हमें देखने मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइस अनबॉक्स करने के बाद हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं दो हमें कार्ट्रिज देखने मिलते हैं, जो गाइस जंबो साइज की कार्ट्रिज हमें देखने मिलती है, ना तो ज्यादा मतलब बड़ी भी नहीं है और ना ज्यादा छोटी, नॉर्मल साइज की हमें कार्ट्रिज देखने मिलते हैं। जो गाइस इसको रखते हैं एक बार साइड में एंड गाइस उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंड गाइस मेन हमारे पेन के अंदर जो देखने मिलता है अरेंजमेंट। तो गाइस ये हमें अरेंजमेंट देखने मिलता है, इसमें दो कैप देखने मिलते हैं, ये बाद में आपको बताएंगे इसमें क्या क्या है। तो गाइस उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम हमें देखने मिलती है हमारी पैकिंग के अंदर हमारा पेन फाउंटेन पेन, ये देखिए गाइस एक्साइट स्मार्ट राइटिंग फाउंटेन पेन हमें देखने मिल जाता है, जो गाइस पैकिंग वाइज कुछ इस तरह से हमें देखने मिलता है। एंड गाइस बैरल का जो डिजाइन हमें देखने मिलता है, पूरी बैरल में हमें चेक डिजाइन देखने मिलता है एंड गाइस व्हाइट के साथ ये कलर का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड गाइस जो हमारे कैप है इसके ट्रांसपेरेंट स्काई ब्लू कलर का कैप हमें देखने मिलता है, जो गाइस कैप को हटाते हैं तो गाइस यहां पे भी हमें डिजाइन देखने मिलता है, जो गाइस काफी ज्यादा यूनिक हो जाता है एंड गाइस देखने में काफी ज्यादा बढ़िया पेन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस ओपन तो हमने कर ही लिया, तो गाइस इसके ग्रिपिंग की बात कर लेते हैं। तो गाइस ग्रिप करने में ये पेन काफी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें हमें ये देखिए थोड़े थोड़े से हमें निशान से देखने को मिलते हैं जो फिंगर्स को होल्ड करने में काफी ज्यादा मदद कर लेते हैं, तो गाइस पेन को होल्ड करना भी काफी आसान है। एंड गाइस निब की बात करें तो गाइस ये देखिए निब भी काफी बढ़िया तरीके की हमें निब देखने को मिलती है, जो गाइस जैसे पेरिकार्डन का हमने पिछली वीडियो में रिव्यू किया था ना, उसकी जो निब थी ना वो काफी ज्यादा चौड़ी निब थी एंड गाइस ये हमें थोड़ी सी बारीक निब देखने को मिलती है। तो गाइस इसको भी हम चलाकर देखेंगे एंड गाइस ओपन करें तो गाइस ये देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा कार्ट्रिज डालेगी। तो गाइस कार्ट्रिज की बात आ गई तो गाइस कार्ट्रिज भी हम डाल ही लेते हैं। तो गाइस ये देखिए हमने कार्ट्रिज इसको इस तरह के इंस्टॉल कर लेते हैं, ये देखिए थोड़े से साउंड के बाद हमारी कार्ट्रिज लग गई है। एंड गाइस अगर बात करें प्लास्टिक की क्वालिटी की, तो जो प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है पेन बनाने में, ना तो ये ज्यादा हैवी प्लास्टिक में हमें देखने मिलता है ना ही ज्यादा मतलब लो ग्रेड प्लास्टिक है। एंड गाइस जो कैप की प्लास्टिक ये काफी ज्यादा बेस्ट है, तो ओवरऑल पेन भी ज्यादा बेस्ट ही हो ही गया, तो कोई बात नहीं। एंड गाइस इसको हम रखते हैं एक बार साइड में एंड गाइस आपने उसके बाद हमें देखने मिलता है ये अरेंजमेंट। तो गाइस इसमें क्या है, एक साइड तो हमें पेन देखने को मिलता है, ये देखिए एक साइड हमें पेन देखने मिलता है, एक साइड हमें इरेजर देखने मिलता है। तो इनको भी हम चलाकर देखेंगे हमारी कॉपी के ऊपर, एक तो हम पेन का राइटिंग टेस्ट भी कर लेते हैं और इसको भी चलाकर देखते हैं ये यूज में किस तरह आता है। तो गाइस सबसे पहले हम ले आते हैं कॉपी को, ये हमारी कॉपी आ गई। तो गाइस सबसे पहले हम फाउंटेन पेन का यूज करेंगे एंड गाइस सेकंड हमारा जो ये अरेंजमेंट वाला पेन लिखा हुआ है इसको यूज करके देखते हैं किस तरह चलता है। तो गाइस सबसे पहले मैं राइट कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने दोनों पेन का राइटिंग टेस्ट कर लिया एंड गाइस यहाँ पे हम लिखा है सेलो एक्साइट फाउंटेन पेन, जो गाइस इस तरह इस पेन से हमने लिखा है, जो गाइस कुछ इस तरह चलने में देखने मिलता है। एंड गाइस ये पेन हमें काफी ज्यादा बारीक देखने मिलता है, जो हमारा पेरिकार्डन का पेन था ना वो काफी ज्यादा डार्क था, तो गाइस ये हमें काफी ज्यादा लाइट मतलब बारीक चलने में देखने मिलता है। इनकी क्वालिटी बेस्ट है, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने मिलती, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बारीक पेन पसंद है ना तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। एंड अगर आप डार्क पेन यूज करना चाहते हो तो गाइस एक्सो फाउंटेन पेन है एंड गाइस उसके बाद जो हमारा पेरिकार्डन का पेन है वो भी काफी ज्यादा डार्क चलते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस सेकंड हमारा जो अरेंजमेंट पेन था, जो गाइस ये वाला पेन कुछ इस तरह से हमें चलने में देखने मिलते, यहाँ पे हम लिखा है सेलो अरेंजमेंट पेन वाईटी स्टेशनरी एंड गाइस आपके लिए एक मैसेज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और गाइस ये हमें कुछ चलने में इस तरह के देखने मिलते हैं। एंड गाइस इसके अगर निब की बात करें तो गाइस ये वाली निब हमें फाउंटेन पेन की तरह नहीं देखने मिलता, ये कुछ स्टिक के ग्राफिक पेन आते हैं ना उस तरह की निब हमें देखने मिलती है, ये स्केच वाली। तो गाइस इसको भी हम रख देते एक बार साइड में। तो गाइस ये देखिए निब की आपने देख ली एंड गाइस चलने में इसकी क्वालिटी
क्वालिटी भी बेस्ट है, चलने में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हमें देखने मिलती। तो गाइस अब सबसे मेन बात करते हैं हमारी इरेज करने वाली। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे इरेजर है, तो गाइस इस साइड से हम इरेजर को ओपन करते हैं। तो गाइस ये देखिए हमें इसकी टिप हमें हाइलाइटर की तरह देखने को मिलती है। तो गाइस इसको भी हम देखते हैं किस तरह के इरेज करता है। तो गाइस ये देखिए मैं भी पहली बार यूज करने वाला हूँ इसको। तो गाइस ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, हाँ ये शायद ऐसे है। तो इसमें शायद गाइस लिक्विड निकलता है, कोई मतलब कोई इंक वगैरह नहीं, शायद कोई लिक्विड वगैरह निकलता है। तो गाइस देखते हैं सही से किस तरह से रेज होता है। तो गाइस जो हमारा इरेजर के साथ जो पेन था उसको हमने मिटा के देखा, जो वो तो कुछ इस तरह से हमें देखने मिला, जिसको क्वालिटी वाइज मुझे बेस्ट लगा नहीं। तो गाइस इसको भी हम फाउंटेन पेन को मिटा के देखते किस तरह से मिटाता है इसको। इरेज मेट के साथ जो पेन आता है उसको तो हमने जब मिटा के देखा, जो गाइस कुछ इस तरह से देखने मिलता है, मुझे क्वालिटी वाइज ये बेस्ट लगा नहीं, मुझे तो लगा ये बिल्कुल बेकार क्वालिटी है। पर गाइस जो हमारा फाउंटेन पेन है उसको हमने मिटा कर देखा, तो गाइस ये वाला मिट गया। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, पर फिर भी काफी ज्यादा मतलब 90% हमें मिटा दिया ये पेन। तो गाइस ये फाउंटेन पेन पे ये वर्क करता है, तो गाइस जो हमारा पेन इसके साथ आता है उस पर ये वर्क नहीं करता है। तो गाइस आप सभी ने राइटिंग टेस्ट भी देख लिया, एंड गाइस इसका जो इरेजमेट का वर्क करता है वो भी किस तरह वर्क करता है वो भी आपने देख लिया। हमारा फाउंटेन पेन पे ये पूरा वर्क करता है। एंड गाइस ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमने अब जो पहले जब इरेज किया था थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, अब वो भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही हो गया। तो गाइस आप मुझे कॉमेंट में जो बताना कि आपको ये इरेजमेट किस तरह का लगा, एंड गाइस ये सेलो का फाउंटेन पेन किस तरह का लगा। एंड गाइस अगर मेरा ओपिनियन देखे तो गाइस 75 रुपीज एमआरपी के हिसाब से अगर चले तो गाइस ये हमें इरेजमेट प्लस फाउंटेन पेन प्लस 2 कार्ट्रिज हमें देखने मिलते, जो गाइस काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमें देखने मिल जाते हैं। तो गाइस ओवरऑल मुझे ये इरेजमेट प्लस पेन मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा। तो गाइस आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पेन प्लस इरेजमेट किस तरह का लगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दें, और भी ऐसी स्टेशनरी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जो कि ऐसी न्यू स्टेशनरी रिलेटेड वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।